खबर सामने आ रही है कि अंजू अगले महीने भारत लौटेगी। हालांकि अंजू की इस बात पर भरोसा शायद ही किया जाए, क्योंकि उसने भारत लौटने की जितने भी तारीखों का जिक्र किया है उनमें से वो अब तक किसी भी तारीखों पर भारत नहीं आई है। यहां तक कि उसने नसरुल्ला से निकाह की बात को भी कई दिनों बाद स्वीकारा था। वही नसरुल्ला ने जब इस बात को मीडिया के सामने स्वीकार किया कि उसका और अंजू का निकाह हो गया है, तब जाकर कहीं अंजू ने इस बात पर मोहर लगाई थी। लेकिन इस बार नसरुल्ला ने खुद अंजू को अगले महीने यानी अक्टूबर में भारत लौटने की बात कही है। नसरुल्ला ने कहा कि अंजू अगले महीने भारत लौटेगी क्योंकि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वो परेशान है और अपने दोनों बच्चों को याद कर रही है। मैं नहीं चाहता कि अंजू का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो। अंजू के लिए बेहतर होगा कि वो अपने बच्चों से मिलने अपनी देश चली जाए। पाकिस्तान की दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो वापस लौट आएगी, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा। संभवतः अगले महीने वो भारत आएगी। अगर वीजा मिला तो मैं खुद भारत की यात्रा करूंगा। जहां एक तरफ पाकिस्तान से आई सीमा हैदर हिंदू संस्कृति के रंग ढंग में ढल गई है, तो वहीं भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू भी पाकिस्तान को कल्चर को अपना रही है। सोर्सेस के मुताबिक अंजू ने बताया कि उसने पश्तो भाषा के कुछ शब्द सीख लिए हैं। वो इस भाषा को काफी हद तक समझ जाती है। इसके अलावा अंजू ने बताया कि उसने पाकिस्तान का कल्चर काफी पसंद आ रहा है। वो यहाँ का पहनावा पहनती है, वहाँ के इस्लामी कल्चर पे धीरे धीरे ढल रही है। अंजू ने पिछले दो महीनों में पाकिस्तान में क्या क्या सीखा इस बारे में भी बताया कि उसे नसरुल्ला ने पाकिस्तान की काफी खूबसूरत जगहों पर घुमाया फिराया। उसने वहां के खान पान और रहन सहन के बारे में भी काफी कुछ पता लगा, सिटी से लेकर पहाड़ों तक। अंजू पाकिस्तान की कई जगह जा चुकी है। अंजू और नसरुल्ला पिछले महीने यानी अगस्त में अपनी शादी के बाद पहली बार पेशावर गए थे। अंजू ने ये भी कहा, मैं पाकिस्तान में इतनी फेमस हो जाऊंगी कभी सोचा नहीं था। मुझे यहाँ के कई लोग जानने लगे हैं। मुझे पाकिस्तान और यहाँ के लोग काफी अच्छे लगने लगे हैं।